इंजीनियर है और इस कार बाइक के पूर्व कमांडर भी रहा है, तो मैं श्री नंदलाल गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूँ इस मंच पे। मैं चाहता हूँ श्री गुप्ता जी को जीवन का स्वागत करें। हमारे परम आदरणीय माननीय तेजवी साहब विधायक सिकंदरपुर, जो कि अब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनका अभी भी अभिनंदन कर रहा हूँ। उपस्थित गुरुजन, देवियों, सज्जनों और मित्रों, आज मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है और बड़े संयोग से मेरे मित्र अभय निवास यादव की वजह से हमको ये मौका मिला बच्चों में आने का, इसीलिए मैं बहुत उत्सुक था। ये बिना प्रोग्राम के मैं आया, मुझे मौका मिला तो यहाँ के प्रबंधकों को मैं थोड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ। और पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं इस समय भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ और मैं इन्हीं बच्चों के बीच में से निकला हुआ एक छात्र हूँ, इसलिए मैं हमेशा उत्सुक रहता हूँ कि मैं अपनी जो मातृभूमि से जो जुड़े लोग हैं, जो हमारे जन्म स्थान से जुड़े लोग हैं, जो उस तरह के विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनसे जाकर के मैं कुछ बातें करूं, कुछ वक्त बिताऊं। और संयोग से आज मुझे मौका मिला, तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि मैं खुद स्काउट गाइड्स टीम का कमांडर रह चुका हूँ जूनियर हाई स्कूल सिकंदरपुर में 1992-93 में, और एक बहुत ही अच्छा अनुभव था। और आज भी मुझे ये महसूस होता है कि जो कुछ भी उस कैंप में या उस शिविर में मैंने सीखा, आज भी उसका जीवन में मैं उपयोग करता हूँ। तो ये इसके संबंध में मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आज से करीब करीब 84 साल पहले 1920 के दशक में एक लंगोटी पहने हुए व्यक्ति ने, धोती और लंगोटी पहने हुए एक हार्ड मास के दुबले पतले व्यक्ति ने एक शुरुआत की थी, एक कानून तोड़ने की शुरुआत की थी, नमक का कानून, जो कि सबसे कठोर कानून हुआ करता था कि एक बहुत छोटी सी जरूरत, एक गरीब आदमी की जरूरत होती है नमक, उस कानून को तोड़ने के लिए एक मार्च शुरू किया था उन्होंने 1926-27 के करीब, करीब 42 दिनों तक वो मार्च चला था। और उसमें ये था कि सिर्फ कुछ मुट्ठी भर चंद लोग, 72 लोग, सिर्फ 72 पीपल, उसमें 72 लोग शामिल हुए थे उनके मार्च में। लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है, ये जो मार्च एक मार्च नहीं है कि हम गांधी जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है कि एक जो इंपीरियल शासन है, जो अंग्रेजी हुकूमत है, उसको तोड़ने के लिए है, तो बाद में लाखों लोग, करोड़ों लोग उनके पीछे पीछे चल दिए, जो बाद में हमारे आजादी के आंदोलन की आधारशिला रखा। तो मतलब ये एक शुरुआत है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कुछ कम लोग आए हुए हैं, आसपास के गांव के थोड़ा उपस्थिति कम है, तो ठीक है, शुरू शुरू में ऐसा होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई एक उद्देश्य है इसका कि हमको एक सशक्त नागरिक का निर्माण करना है, ये सिर्फ स्काउट गाइड एक प्रोग्राम नहीं है या कोई प्रतियोगिता नहीं है कि इसमें जीत करके हम पुरस्कार पा लेंगे और हम खुश हो लेंगे, हमारा उद्देश्य एक सशक्त नागरिक का निर्माण करना है। तो उसके लिए कुछ बहुत ही मूलभूत चीजें हैं, जैसे मान लीजिए हमारे देश में राजनेता होते हैं, वकील होते हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, बहुत चीजें, लेकिन जो सबसे ज्यादा योगदान होता है सभ्यता के विकास में या किसी देश के विकास में, वो शिक्षा का होता है। और ये सबसे उपेक्षित क्षेत्र इस समय है, खासकर गांव में, खासकर इस तरह के विद्यालयों में। तो इस विद्यालय के जो प्रबंधक महोदय हैं, उनसे मैं थोड़ा सा अनुरोध करूंगा और यहाँ के अभिभावकों से मैं अनुरोध करूंगा कि आमतौर पर हम जो अपनी समस्याएं हैं उसके लिए हम विधायक को या सरकार को या सिस्टम को या सरकार, ऐसे हम दोष देते हैं, दूसरों पर दोष आरोपित करते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचते कि हम अपने बच्चों के साथ हम क्या कर रहे हैं, उनके भविष्य निर्माण के लिए हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है कि हम लोग गांधी जी की बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, लेकिन हम कितने उन आदर्शों का पालन कर रहे हैं। तो गांधी जी का सपना था राम राज्य लाने का, तो सिर्फ, और भारत एक गरीब देश है, फैक्ट है, इसमें तरह तरह की समस्याएं जो है, भ्रष्टाचार हो गया, गरीबी हो गया, अशिक्षा हो गया, बेरोजगारी हो गया, तो इन सब का एक सूत्रीय समाधान मेरे विचार से सिर्फ शिक्षा से हो सकता है, शिक्षा, बल्कि प्राथमिक शिक्षा से, क्योंकि अभी सर हमारे बात कर रहे थे विधायक जी कि भाई यहाँ शिक्षा से ये चीजें संभव है, तो और हमारे जो अधिकारीगण हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS है, PCS है, ये करप्ट हो गए हैं, बेईमान है, हमको काम करने नहीं दे रहे हैं,
तो ये उनका दोष नहीं है, वो इस सिस्टम का दोष है, क्योंकि वो आईएएस पीसीएस और मेत्र के इंजीनियर इन्हीं लोगों से निकल के आते हैं, इन्हीं लोगों के बीच में से निकल के आते हैं। जो पुलिस अधिकारी घूस लेता है वो हम ही लोगों के बीच का है, सिर्फ खाकी वर्दी पहन लिया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो शिक्षा है उसमें मूल्य होने चाहिए, मूल्यों से भरी हुई शिक्षा होना चाहिए। सिर्फ हमारे पास तकनीकी ज्ञान आ जाए या कुछ ऐसा ज्ञान आ जाए उसके बल पर हम कोई नौकरी पा ले, उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। शिक्षा में मूल्यों का समायोजन होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक बात मुझे याद आती है, जब भी मैं किसी प्राथमिक विद्यालय में आता हूँ सभी गुरुजनों से भी मैं थोड़ा बात ये शेयर करना चाहता हूँ, मैं बांटना चाहता हूँ उनसे कि मैं चेतन किशोर के प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा था, तो वहाँ मैं जब कक्षा 2 में पढ़ता था इस बच्चे के साइज का हुआ करता था मैं, तो वहाँ एक तो क्या विलम्ब हो रहा है क्या? अच्छा, ठीक है। तो उसमें मतलब एक चीज लिखी थी, बस वो अंतिम बात मैं कहूंगा कि वहाँ एक वाक्य लिखा हुआ था 3-4 लाइन, अब तो उसको लोग पेंट कर दिए हैं, लेकिन आज मैं जब बड़ा हो गया तब उसका महत्व समझ में आता है। उसमें लिखा था स्वर्गीय इंदिरा जी के, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी का वाक्य है कि एक ही जादू, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन, ये 5 चीजें जो है एक नागरिक को और एक देश को महान बनाती हैं। तो मैं यही कहूंगा बच्चों से भी और गार्जियनों से भी कि अपने बच्चों के लिए उसके जीवन में और अपने जीवन में एक तरह का अनुशासन लाएं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं इसी क्रम में श्री जनार्दन यादव जो इस बहुदरा ग्राम सभा के प्रधान है आए और अपने बातों को रखे बहुत ही कम समय में, क्योंकि प्रधानाचार्य जी और हमारे गांव के हमारे गार्जियन श्री राधाकृष्ण चौधरी जी और गांव के संभाग